रोल पुष्पा आई हेट टीयर्स. नहीं नहीं मैं डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, दरअसल एक फिल्म का नाम है जिसमें कृष्णा जी है, कार्तिक जी है और अनुस्मृति सरकार. आइए आपको मिलवाते हैं इनसे और जानते हैं पुष्पा एट हेट टीयर्स के बारे में. क्या है? हाय पुष्पा आई हेट टीयर्स एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी है और इसमें लोगों को एक्चुअली बहुत कुछ देखने को मिलेगा. रोमांस मिलेगा, थ्रिलर मिलेगा एंड कॉमेडी ऑफ कोर्स. कृष्णा अभिषेक इज देयर सो यू गाइस नो दैट यू नो हाउ मच कॉमेडी इट कैन बी. सो एंड द टाइटल इज द यूएसपी ऑफ कोर्स. व्हेन यू हर्ड दिस टाइटल क्या माइंड में था आपके, क्या माइंड में आया? मुझे सिर्फ राजेश खन्ना जी याद आ रहे थे उस टाइम पे. ए पुष्पा ए टीयर्स यू नो. तो बस ऑफ कोर्स सिर्फ आप राजेश खन्ना को ही देख सकते हैं उस डायलॉग में. तो या फिल्म किरदार क्या आपके, रोल क्या आपका? मेरा रोल है एक बहुत ग्लैमरस किरदार में निभा रही हूँ. मेरे ऑपोजिट में कार्तिक है, जयराम कार्तिक. सो इट्स अ लव लव थिंग एंड ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी. डायरेक्टर ने बोला है कि कहानी रिवील मत करना. और हाँ जो टीयर्स है ना, उस टीयर्स का रीज़न भी मैं ही हूँ काफ़ी हद तक. तो बहुत रुलाती हूँ, एक्चुअली मैं बहुत रुलाती हूँ सबको. इट्स अ ग्रे साइड और कुछ कुछ है? ना कोई ग्रे साइड नहीं है. इट्स लाइक ए प्रॉपर यू नो आई एम इन लव विद दैट गाय. सो यहाँ पे कोई ग्रे नहीं है. इट्स इट्स ए टोटली रोमांस साइड ऑफ मी. एंड ऑफ कोर्स मेरी जब लास्ट मूवी आई थी वन डे, उसमें आई प्लेड लाइक अ वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम गर्ल. एंड इसमें मुझे ग्लैमरस रोल प्ले करने को मिल रहा है. तो दिस टू फिल्म्स आर लाइक टोटली डिफरेंट फ्रॉम लाइक इच अदर. सो बहुत मज़ा आया एक्चुअली. और ऑनेस्टली पुष्पा आई हेट टीयर्स में मेरे किरदार के साथ आई गेस मेरे रियल लाइफ का उतना कुछ मतलब नहीं है, मिलता जुलता नहीं है. बट समवेयर ऑफ कोर्स आई एम आल्सो लाइक दैट ओनली यू नो. लाइक आई डोंट केयर मच एंड आई डू व्हाट आई लाइक. सो या जैसे आप बार बार कह रहे कि ग्लैमर है, किस तरह के ग्लैमर है, मतलब कैसा? नो 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 इतना बोल्ड नहीं है. इन द सेंस ग्लैमर इन द सेंस ऑफ कोर्स मॉडर्न क्लोथ्स है. एंड आई मीन इट्स नॉट लाइक मैं साड़ी पहनी नहीं हूँ कहीं पे. इट्स नॉट लाइक कोई इंडियन ड्रेस नहीं है. माई ड्रेसेस आर लाइक यू नो ऑल मॉडर्न क्लोथ्स. सो दैट वे आई एम लुकिंग ग्लैमरस. इट्स नॉट बोल्ड बोल के कुछ नहीं. ऑफकोर्स एक किसिंग सीन है ऑफकोर्स. फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन आई है. फर्स्ट टाइम आई डोंट नो हाउ माई डैड इज गोइंग टू रिएक्ट. आई रियली डोंट नो. मॉम को तो बता लूँगी बट थोड़ा सा डर लग रहा है पापा की वजह से. बस हाँ एक किसिंग सीन है. अच्छा इसमें कृष्णा जी है ऑन सेट, किस कैसा माहौल था? मतलब एकदम कॉमिक होंगी? मतलब इतना मज़ा आया ना हमें. हम लोग ऐसे भी किया कि 2 बजे से लेके रात के 2 बजे तक हमने शूट की. शाम की 4 बजे से लेके रात के 4 बजे तक शूट किया. हम लोगों को लगा ही नहीं कि ऐसा होता ना कि रात की शूट, रात के टाइम पे शूट करने से लोग थक जाते हैं. कृष्णा इज़ लाइक यू नो फुल ऑफ फन. लाइक ही इज़ माहौल को ऐसे रखते हैं ना. अचानक से कोई सीरियस सीन चल रहा है, अचानक से आके कोई जोक क्रैक कर देते हैं तो सब लोग हंसना शुरू कर देते. तो ही इज़ लाइक यू नो वेरी फनी एंड नाइस एंड दैट वे ही इज़ लाइक यू नो सुपर फन. तो बहुत बहुत फन होता था हम लोग. और कार्तिक मेरे साथ हमेशा ऐसा करते थे कि जैसे शॉर्टकट बोलते थे और वो ना आँख मार देते थे डायरेक्टर को. किसी को कट बोलने नहीं देते थे और वो आराम से कट हो जाता था और मैं एक्टिंग करी जा रही हूँ और बाद में सब लोग हंस रहे हैं. तो ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है. अच्छा की बात करते हैं उनकी जो कॉमिक टाइम है वो कितनी मिली आपको? ओह माय गॉड मतलब इतना कुछ सीखने को मिला ना. मतलब एक हमारा सीन था जिसमें आई गेस 4 पेजेस डायलॉग था. यू नो कृष्णा ने पूरी 4 पेजेस डायलॉग 1 go में कर दिया और मैं देख के मैं बोला ओ माय गॉड. मतलब ही सच ए सुपर टैलेंटेड गाय लाइक डायलॉग वाइज, डांस वाइज, फाइट हर जगह में. मतलब और उनसे ये जो स्पेशली जो हम मुझे तो 1 पेज डायलॉग आता है तो मैं थोड़ी सी टेंशन में आ जाती कि 1 पेज डायलॉग मैं कैसे करूँगी. बट कृष्णा इज़ लाइक बहुत सीखने को मिला सीरियसली. और जिस तरीके से वो काम करते हैं बहुत रिलैक्स होकर काम करते हैं. तो ऑब्वियसली मुझे लगता है मैं यू नो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू वर्क विथ दिस काइंड ऑफ एक्टर्स लाइक कृष्णा, कार्तिक एंड ऑल. तो मैं अपने आप को बहुत यू नो खुश नसीब समझती हूँ.
आखिर मैं क्या कुछ संदेश दे रही हूँ, कुछ क्या है मतलब कुछ दे रही मैसेज कुछ वगैरह? हाँ, एक तो मैसेज है ऑफ कोर्स, बट कि थोड़ा सा एक्सट्रामैरिटल अफेयर के ऊपर है लिटिल बिट, एंड लोगों को बहुत मज़ा आएगा. एक्चुअली बहुत मसाला फिल्म है. तो म्यूजिक लॉन्च भी है आज, तो कुछ गाने वगैरह कुछ पुष्पा आई हिट है वो भी है. हाँ हाँ, आज म्यूजिक लॉन्च प्लस ट्रेलर लॉन्च है. सो एक गाना तो कृष्णा ने भी गाया है. सो मज़ा आएगा आप लोगों को, होपफुली बहुत मज़ा आएगा. गाने हैं मतलब ऐसे? आई गेस फोर सॉन्ग्स आते हैं. आप पे? मेरे पे दो. कौन सी जो आपके फेवरेट दिल के करीब आते हैं? आज है रोमांटिक नाइट, ऐसे ही गाना है आज है रोमांटिक नाइट. तो बस वो है, और टाइटल सॉन्ग है वो पुष्पा है टीयर्स, वो भी मज़ा आएगा. सो या एक्चुअली तीन सॉन्ग में हूँ, और एक सॉन्ग है जिसमें मैं और कार्तिक हम लोग क्लब में रहते हैं. तीन सॉन्ग मेरे ऊपर है. नहीं मैम, एक बार खाली वो पुष्पा हेट टीयर्स करती है. ओके, लुक क्या? ओ पुष्पा आई हेट टीयर्स. थैंक यू सो मच. कार्तिक जी का भी ले लेंगे ऐसे? अब लेना शॉट लेना. सॉरी मैं तो करो, अब फोटो करो पछू आओ. हाँ सॉरी सॉरी. Yes, look here. Thank you. Thank you so much. Thank you. Oh, thank you.